40%, 20, 25 एंड 30% के आसपास डंप हुआ है। कौन से कॉइन डंप हो रहे हैं वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो उसके पहले जो भी अगर आप फर्स्ट बार में अगर वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को, और अगर अदरवाइज अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अंदर ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। एंटोनेल ने जो इन क्रिप्टो करेंसी थी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 8 घंटे पहले इन्होंने एक अपडेट दिया था, और यहाँ पे इस उन्होंने जो भी क्रिप्टो करेंसी इनके पास थी या फिर उन्होंने जिसको बनाया था उसको उससे वो एग्जिट हो रहे हैं, जिसमें जिसका जो नाम आता है समथिंग, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यर्न फाइनेंस, कीप 3R एंड टिप 3R नेटवर्क, मल्टीचेन XYZ, मल्टीचेन ORG, चेन लिस्ट एंड इसके अलावा सोलिडी एक्सचेंज एंड ब्राइस CRV। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सोलिडेक्स में 47% का डंप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज KPR की अगर बात करते हैं, KPR 3 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसको भी अगर देखते हैं तो समथिंग समथिंग 28% का आप इसको डंप देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टेड भी है ऑलरेडी, परंतु इसमें जो एंट्री एग्जिट होना एक अलग बात है, और ये क्यों हो रहा है समथिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इनके जो ट्विटर अकाउंट को भी इन्होंने यहाँ से डिलीट मार दिया है, और अदरवाइज अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि समथिंग 25 एप्स एंड सर्विस दैट टर्मिनेट, यानी कि 3 अप्रैल को ये टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और अपडेट दिया है। अदरवाइज दोस्तों अगर आप कोई भी वेबसाइट को अगर खोल के देखते हैं तो यहाँ पे दिस सर्विस है लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम 03 अप्रैल 2022। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं भाई, सिक्योर कोड इज ओपन सिक्योर एनी ऑन द, यानी कि ये अदरवाइज कोई अदर जो डेवलपर है उनको वेलकम करने के, भाई अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो अदरवाइज आप चला सकते हैं। अदर जो डेवलपर इसको अगर चलाते हैं तो आपको वापिस इसमें अच्छा खासा पंप आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे लिया है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर 3 तारीख को ये समथिंग अप्रैल को अगर इनका नहीं होता है तो इसमें जो सर्विस है वो पूरी तरह से क्लोज हो सकती है। ठीक है, तो कल बात करेंगे भाई कौन से 25 एप्स हैं या फिर कोई वेबसाइट है, इनके जो टोकन्स हैं उन्होंने क्यों कौन से टोकन है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आज के लिए जो बात कर रहे हैं ये 3-4 टोकन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि यर्न फाइनेंस, यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम इस टोकन को भी आप यहाँ पे हर यर्न फाइनेंस को भी देख सकते हैं, समथिंग 2% की ऑलरेडी लो है। अगर बात करते हैं तो ऑल टाइम लो, यानी कि ऑल टाइम 1 ईयर का लो 13,15,786 रुपये हैं, और इसी के आसपास ये भी आ चुका है जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो चल को तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।